Hello everyone and welcome to our channel Holistic Facts. Let's start with the Hindu newspaper analysis dated 13th of October 2019. So let's begin. Aaj ke hamare questions hain. First, which of the following is not a sister city pair ya fir twin cities? A. Delhi-Beijing, B. Bengaluru-Chengdu, C. Kolkata-Kunming, D. Mumbai-Xi-Xiang. Second, 2019 Physics Nobel was awarded for which of the following? A. For discovery of exoplanet 51 Pegasi, B. For discovery of constellation Pegasus, for discovery of star 51 Pegasi, D. None of the above. Third, who was the first viceroy of India? A. Warren Hastings, B. Willium Bentick, C. Lord Canning, or D. Ramsey McDonald. Please do and try answer the questions in the comment box below. और आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं. अगेन आज का हमारा न्यूज़पेपर मोस्टली इंडिया चाइना समिट के ऊपर ही बेस्ड है और हमारे रिलेशंस किस तरह से इम्प्रूव होंगे अब हमें वो पता चलेगा. ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहना है ऑथर का. तो अब यहाँ पे ऐसे डिसाइड किया गया है कि एक हाई लेवल इकोनॉमिक एंड ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाएगा. अभी इंडिया के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, इनके बीच में अभी इनफॉर्मल समिट चल रहा है मामल्लापुरम में. और इसके पहले हम रिवाइज़ कर चुके हैं इन चीज़ों को, पर एक बार फिर से देख लेते हैं. वुहान में सबसे पहला इनफॉर्मल समिट हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, और 2018 में हुआ था वो. और अभी ये सेकेंड इनफॉर्मल समिट है जो कि मामल्लापुरम में चल रहा है. और मामल्लापुरम में ही क्यों, तो मामल्लापुरम और चाइना के टाइज दे गो बैक टू 2000 ईयर्स अगो. और वहाँ पे टिबेट को काउंटर करने के लिए चाइना ने मामल्लापुरम से हेल्प मांगी थी और वो दे दी गई थी. तो उनके रिलेशंस दे गो वे बैक. ऑलराइट, तो इसीलिए उस जगह को चूज़ किया गया था. और अब यहाँ पे जो हमारे टॉक्स चल रहे हैं वो बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में कोऑपरेशन कैसे इंक्रीज़ किया जाए, टेरर को कैसे काउंटर किया जाए, और हमारे जो ट्रेड के बीच में डिफरेंसेस है उसे कैसे कम किया जाए. जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना का साथ चाइना के साथ, तो हम उसे कैसे काउंटर कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही है. और प्लस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट RCEP का आ जाता है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, जो आशियान की 10 मेंबर कंट्रीज़ होती है उन कंट्रीज़ के साथ, प्लस जो 6 पार्टनर कंट्रीज़ होती हैं उनके साथ जो FTA साइन करने की बात चल रही है, दैट इज़ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, कि जहाँ पे 0% मतलब टैक्स लगा के, टैरिफ लगा के, या फिर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल सकता है इंपोर्टेड गुड्स को. तो ये सारी बातें चल रही है अभी इस समिट में. तो फिर अब हम देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि एक हाई लेवल इकोनॉमिक एंड ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म सेट किया जाएगा, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारामन जी, वो और चाइना के जो वाइस प्रीमियर है वो मिलेंगे. ऑलराइट, अब ये इस समिट के बाद में होगा और हम देखते हैं फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा. ऑलराइट, अब यहाँ पे फिर से वुहान समिट के बारे में मेंशन किया है. वुहान समिट हुआ था आफ्टर डोकलाम स्टैंड ऑफ इन 2018. वुहान समिट के बाद काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले थे, जैसे कि हमारी जो बॉर्डर में एक स्टैंड ऑफ होने के बावजूद दोनों ही कंट्रीज़ ने काफ़ी अच्छी तरीके से उस इशू को हैंडल किया और सिचुएशन को कंट्रोल किया. और उसके बाद हमारी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई है, एक फ्रेश मोमेंटम मिला है हमारे रिलेशंस को, हेल्दी और स्टेडी डेवलपमेंट हुई है रीजन में, और हमारे जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के टाइज है वो और डीपन हो गए हैं चाइना के साथ. ऑलराइट, और हमारे जो रिलेशंस है यहाँ पे हमारे दोनों लीडर्स ने डिसाइड किया है कि हम हमारे जो डिफरेंसेस है वो मैनेज करेंगे और उन्हें डिस्प्यूट्स में टर्न नहीं होने देंगे. जो ऑफिशियली डिस्प्यूट्स होते हैं, अब जैसे कि ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है USA और चाइना के बीच में, कि दोनों ही कंट्रीज़ निगोशिएट तो अभी कर रही हैं पर कोई मान नहीं रहा है, ऐसी चीज़ें हमारे बीच में ना हो, ऐसे होने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जैसे डोकलाम का क्राइसिस हुआ था, उसके बाद वुहान समिट हो गया था, अब यहाँ पे कश्मीर का इशू होने के बाद एक्सपेक्टेड था कि शायद यहाँ पे कश्मीर के इशू के बारे में बात हो सकती है, पर यहाँ पे अभी तक वैसे कोई बात हुई नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है. और
उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे ऐसे देखा जा रहा है कि कश्मीर इशू का अगर हमने डिस्कस नहीं भी किया है तो भी उस एक इशू के बेस्ड मतलब एक इशू के ऊपर बेस्ड हमारे रिलेशंस नहीं हैं, इसीलिए उस चीज़ को पॉजिटिवली देखा जा रहा है, ठीक है। और बीजिंग अभी तक परस्यू कर रहा था अनशेकेबल पॉलिसी, ऑलराइट। तो अनशेकेबल पॉलिसी क्या है, तो यहाँ पे बीजिंग ट्राई कर रहा था इंडिया के साथ एक क्लोज रिलेशंस या फिर क्लोज टाई टाइज जो है वो मेंटेन करने का, ठीक है, जो कि 100 ईयर का प्लान था, ठीक है। तो 100 ईयर के प्लान में अब इंडिया के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे करने हैं बीजिंग को, चाइना को, इसीलिए चाइना अनशेकेबल पॉलिसी अभी तक परस्यू कर रहा था, ठीक है। और अब बात ये हो जाती है कि इंडिया और चाइना एशिया की सबसे बड़ी कंट्रीज़ है, और मतलब ऐसे नहीं पॉपुलेशन वाइज, ऑल राइट, नॉट एरिया वाइज बट पॉपुलेशन वाइज, तो एशिया की सबसे बड़ी कंट्रीज़ और जहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्रीज़ पॉपुलेशन वाइज, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि एक ग्लोबल स्टेबिलिटी हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जैसे कि अब काफ़ी बड़ा रीजन है, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व्ड है, तो यहाँ पे हम इनस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो फिर एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर कि हम एक ग्लोबल स्टेबिलिटी मेंटेन करें, प्लस हमारी इकोनॉमीज आर ह्यूज, तो हमारी इकोनॉमीज पे जो असर होगा वो पूरे वर्ल्ड पे असर हो सकता है इसी वजह से, ठीक है। और यहाँ पे अब डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, बेसिकली यही बातें हो रही है फिलहाल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे ये न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हमें बस ये पॉइंट ऑफ व्यू जानना काफ़ी ज़रूरी है कि अब यूएस के सेनेटर जो है उन्होंने वॉर्न किया है अगेंस्ट हुवेई। अब हमारा यहाँ पे जो समिट चल रहा है चाइना के साथ, तो यहाँ पे कई सारे डिसीजंस लिए गए हैं। अब चाइना और इंडिया ये दोनों ही काफ़ी बड़े मार्केट है, ऑलराइट, तो चाइना को भी इंडिया की उतनी ही ज़रूरत है जितनी इंडिया को चाइना की। तो इंडिया कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है या फिर जो आईटी कंपनीज़ है, तो इन्हें जैसे चाइना में एक्सेस मिलेगा, वैसे ही चाइना की हुए ही जो कंपनी है जो कि अभी 5G टेक्नोलॉजी को आर्किटेक्चर करने की बात चल रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 5G का, उसका ट्रायल इंडिया में भी हो सकता है। तो मतलब हुए ही जो है 5G टेक्नोलॉजी जो कि US में बैन करने की बात चल रही थी, तो वो इंडिया में उसका एक्सेस मिल सकता है। तो उसके अगेंस्ट US के जो सेनेटर है उन्होंने वॉर्न किया है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर ऐसे किया तो इंडिया जो US से इंटेलिजेंस मिलता है इंडिया को वो लूज़ कर सकता है, ऑलराइट। तो ये एक अब USA का पॉइंट ऑफ व्यू है, USA का स्टैंड है, फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, पर USA के सेनेटर ने जस्ट एक वॉर्न किया है, ऑलराइट। तो हम देखते हैं, अगर आगे कुछ होता है तो हम ज़रूर उस पर डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ऑड इवन स्कीम के बारे में दिया गया है। अब ऑड इवन स्कीम क्या है वो हम देख लेते हैं। ये स्कीम बेसिकली दिल्ली में है, जो कि प्राइवेट व्हीकल्स जो है कुड बी ऑन द रोड ओनली ऑन सर्टन डेज डिपेंडिंग ऑन देयर लाइसेंस प्लेट नंबर। अब लाइसेंस प्लेट के नंबर के हिसाब से आप ऑड डेज पे गाड़ी चला सकते हो कि इवन डेज पे, ये डिसाइड होता है, ठीक है। अब ये क्यों ऑड इवन स्कीम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये बेसिकली पोल्यूशन रिडक्शन पॉलिसी है, जो कि दिल्ली में स्मॉग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको अंडर कंट्रोल लाने के लिए दिल्ली से ये सारी कोशिशें चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि विमेन को एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब विमेन ड्राइवर्स को लाइसेंस प्लेट के नंबर के हिसाब से गाड़ी निकालने की अपनी ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी निकाल सकती है, दे आर फ्री टू गो ऑलवेज। तो अब यहाँ पे रीज़न उन्होंने जो दिया है इसका, बेसिकली रीज़न ये है कि विमेन की प्रोटेक्शन के लिए, विमेन की सेफ्टी के लिए, अगर वो खुद ही अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रही है तो इट इज़ सेफ, ऐसे माना जा रहा है, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है, ऑलराइट। पर ये एक अच्छी स्टेप है ऑड इवन स्कीम पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोशिश जो कर रहे हैं, दैट इज़ एटलीस्ट अप्रिशिएबल, ठीक है। तो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में फिर से न्यूज़ है, हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पब्लिश होता है हर मंथ, ठीक है, हर मंथ ये रिपोर्ट पब्लिश होता है। और कौन पब्लिश करता है, तो CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एवरी मंथ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज करता है विद अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ कलर कोड विच हेल्प्स इन कंपेयरिंग एयर पोल्यूशन लेवल्स इन दी सिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह से हैंडल किया जाता है या फिर किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है हम वो देखते हैं। तो बेसिकली जो पोल्यूटेंट्स है
आठ पोल्यूटेंट्स है यहाँ पे उनको स्पेसिफाई किया है, तो आठ पोल्यूटेंट्स का हवा में कॉन्सेंट्रेशन देख के, ठीक है, वो जो आठ पोल्यूटेंट्स है वो कितनी क्वांटिटी में हवा में मौजूद है उसके हिसाब से देखा जाता है कि हवा की क्वालिटी, एयर की क्वालिटी है वो कितनी ख़राब है या फिर कितनी अच्छी है, ठीक है। और फिर आगे एक नंबर हमारे पास आने के बाद उन्हें एक कलर कोड दिया जाता है और उससे हमें पता चलता है कि जो कैटेगरीज़ है उसमें छः कैटेगरीज़ है। तो हम अब वो देख लेते हैं। अब पहले हम आठ पोल्यूटेंट्स कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक पार्टिकुलेट मैटर है जो कि 2.5, फिर पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड, ऑलराइट। तो ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं जिनके प्रेजेंस से हम जानते हैं कि एयर की क्वालिटी कैसी है। अब हमें ये सब जज करने के बाद जो एक नंबर मिलता है, फिर उसके बाद छह कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है उसको। फिर वो होता है गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस रिपोर्ट को एवरी मंथ रिलीज़ करता है और इस तरह से उनकी कैटेगरीज होती है। प्लस ये पोल्यूटेंट्स का नाम याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे तो कोई न्यूज़ नहीं है फिलहाल, ऑलराइट। अब यहाँ पे एनजीटी के बारे में हमने बहुत दिनों से ये रिवाइज नहीं किया था, तो हम एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। अब एनजीटी इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010 के अंडर ये एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अब आप सबको ये तो पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती है और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बॉडीज़ बनती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस बॉडी को मेंशन किया गया है या फिर उस बॉडी को बनाए जाने की बात की गई है, ठीक है। तो फिर वो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ मतलब अगर कोई बॉडी किसी एक्ट के अंडर बन रही है जैसे कि एनजीटी, तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कुछ बॉडीज़ बनती है, अब जैसे कि नीति आयोग, नीति आयोग इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑलराइट। तो ये डिफरेंस आप ज़रूर याद रखिए। और यहाँ पे एनजीटी के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनजीटी जो है, जो बाकी के कोर्ट्स वगैरह जिस तरह की प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जस्टिस की जो प्रोसीजर होती है वो फॉलो करते हैं, एनजीटी वो फॉलो नहीं करता। एनजीटी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एनजीटी के बारे में, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा। प्लस अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एनजीटी की ऑर्डर होती है वो तो बाइंडिंग होती ही है, ठीक है। एनजीटी ने अगर कोई केस को डिस्पोज ऑफ किया है, अब जैसे कि एनजीटी कौन सी केसेस को हैंडल कर सकता है, तो वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितनी भी केसेस है, या फिर हमारा हमें अगर कॉन्जर्वेशन है फॉरेस्ट का या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का, तो इनसे रिलेटेड, इनका कॉन्जर्वेशन से रिलेटेड जो भी केसेस है वो डिस्पोज ऑफ करता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इन केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के बाद उनकी जो ऑर्डर है वो बाइंडिंग होती है। प्लस आप अपील कर सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। फिलहाल इस पेज पे तो कोई न्यूज़ नहीं है और यहाँ पे भी फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे बस एक बांदीपुर टाइगर रिज़र्व का मेंशन किया गया था, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि बांदीपुर टाइगर रिज़र्व जो है वो कर्नाटका में है। ये ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है हमेशा। और अब फिर से यहाँ पे ये न्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग का नाम आया है तो वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। आप ये ज़रूर याद कीजिएगा, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। ऐसे क्वेश्चंस तो डायरेक्टली एग्जाम में हमेशा हर साल आते ही हैं, तो हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, ऑलराइट। अब यहाँ पे फिर से बात आई है कि जी ने जो 100-year plan टू सीमेंट टाइज विथ इंडिया, इंडिया के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग करने हैं, जो अनशेकेबल पॉलिसी है चाइना की, उसके बारे में फिर से ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है उन्होंने स्ट्रेस किया है मिलिट्री और सिक्योरिटी एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। मिलिट्री एक्सचेंजेस और हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर उन्होंने स्ट्रेस किया है, और
इनको लेकर हमारी कंट्रीज़ के बीच में टाइज इम्प्रूव होनी चाहिए, ऐसे इनका कहना है। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू मिलिट्री मिलिट्रीज, ठीक है, अब यहाँ पे दोनों मिलिट्रीज़ के बीच में किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है रिलेशन या फिर डेवलप किया जा सकता है, तो वो है फ्रेंडली, एक तो फ्रेंडली कोऑपरेशन से हो सकता है, और प्लस हम ऐसी एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकते हैं जैसे कि प्रोफेशनल कोऑपरेशन या फिर जॉइंट ट्रेनिंग हो सकती है, एनहांसिंग म्यूचुअल ट्रस्ट होता है इससे, तो इस तरह से हमारे रिलेशंस डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट में हम कोऑपरेशन कर सकते हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, प्लस टू मेंटेन रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी हम डिस्कशंस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर बिहेव कर सकते हैं। नीड फॉर फेयर एंड रीजनेबल सॉल्यूशन टू बाउंड्री प्रॉब्लम दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू बोथ। अब यहाँ पे एक जो एग्रीमेंट है वो साइन हुई थी 2005 में, पॉलिटिकल गाइडिंग प्रिंसिपल अग्रीमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल गाइडिंग प्रिंसिपल अग्रीमेंट 2005 में इंडिया और चाइना ने साइन किया था उस एग्रीमेंट के ऊपर। तो पर वहाँ पे किन पॉइंट्स को कंसिडर किया गया था हम वो देखते हैं। अब यहाँ पे दो बातें थी कि स्ट्रेटेजिक एंड रीजनेबल इंटरेस्ट। ठीक है, अब दोनों के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, बाउंड्री जो हमारी डिस्प्यूट्स है बाउंड्री में, तो वहाँ पे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए हम दोनों को रीजनेबल इंटरेस्ट जो है हमारे वो ध्यान में रखने हैं, प्लस जो वहाँ की पॉपुलेशन है बॉर्डर एरियाज़ में उनका सेफगार्ड इज़ एट अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। ऑल राइट, तो ये एक पैक्ट है, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इसी इस पॉइंट की अब बात क्यों आई कि इस एग्रीमेंट को ही ध्यान में रखते हुए अब हमें कोशिश करनी है कि हमारे जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है चाइना के साथ वो हमें रिजॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से और एक बात है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने जो है हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल और आईटी कंपनीज़ की जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको वेलकम किया है चाइना में। ठीक है, तो हमारी अब फार्मास्यूटिकल और आईटी कंपनीज़ को एक मौका मिला है कि चाइना में और ज़्यादा एक्सेस मिल सकता है। ठीक है, और चाइना इंडिया प्लस इनिशिएटिव जो है, जो कि पहले प्रपोज़ किया गया था वुहान के इनफॉर्मल समिट में, जो कि अभी लास्ट ईयर हुआ था 2018 में, तो ये एक मैकेनिज्म है ऑफ प्रायर कंसल्टेशन टू मैनेज ओवरलैपिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना इन एशिया। ठीक है, इंडिया चाइना प्लस इनिशिएटिव क्या है, तो यहाँ पे कई बार ऐसे होता है कि इंटरेस्ट जो है दोनों कंट्रीज़ के वो ओवरलैप होते हैं, तो उन्हें मैनेज करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया था। ठीक है, एशिया के रीजन में इंडिया चाइना के जो इंटरेस्ट ओवरलैप होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, एशिया अफ्रीका और इंडियन ओशन में, सॉरी सिर्फ एशिया में नहीं अफ्रीका और इंडियन ओशन में भी। ठीक है, और इस चीज़ को इंडिया चाइना का जो इनिशिएटिव है, अब चाइना के प्रेसिडेंट की ये मांग है कि हम इस कोऑपरेशन को टू साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में और ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस इंडिया चाइना प्लस इनिशिएटिव को और एक्सपांड करना चाहिए, ऐसे इनका कहना है। प्लस यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की गई है, जो सिस्टर सिटीज़ जो होती है फिर से एक उन्हें एक सिस्टर सिटी बनाने की बात चल रही है, जो कि चाइना का फुजियान प्रोविंस जो है, फुजियान प्रोविंस ऑफ चाइना और तमिलनाडु, ठीक है, और क्वांगजू सिटी एंड चेन्नई सिटी। अब यहाँ पे प्रोविंशियल सिटीज़ के रिलेशंस जो है, मतलब चाइना की सिटी और हमारे यहाँ की इंडिया की सिटी, इनके बीच में रिलेशंस डेवलप करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए फुजियान प्रोविंस ऑफ चाइना जो है वो और तमिलनाडु प्लस क्वांगजू सिटी एंड चेन्नई सिटी, तो ये एक हमारा एक नया ये हो सकता है सिस्टर सिटी में। ठीक है, एडिशन। और अब फ़िलहाल इस न्यूज़ में तो इतना ही था, अब हम बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे अगेन वही सारी चीज़ें रिपीट की गई है, अब यहाँ पे वी कैन सी आर प्राइम मिनिस्टर प्लॉगिंग ऑन दी बीच इन चेन्नई, तो फिर हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए। और यहाँ पे एक ये आर्टिकल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये प्योरली इंटरव्यू है, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है, पर यहाँ पे जो एक पॉइंट है, तो यूएसए का जो कहना है कि चाइना जियोपॉलिटिकल एक थ्रेट है, तो यूएसए ऐसे कहना चाह रहा है कि इंडिया को यूएसए के साथ आ जाना चाहिए। इंडिया जनरल इंटरनेशनल रिलेशंस
जो है इंडिया की जो थियरी है, बेसिकली जो स्टैंड है इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो न्यूट्रल है। इंडिया कभी अलायंस नहीं बनाता, किसी का हो नहीं जाता, इंडिया न्यूट्रल रहता है हमेशा। तो फिर यहाँ पे यूएसए का ऐसे कहना है कि इंडिया को यूएसए के साथ अलायंस बना लेना चाहिए, क्योंकि चाइना थ्रेट है। चाइना ड्रामेटिकली उनकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और उनके बिहेवियर से कुछ ऐसी चीज़ें लग रही है कि थ्रेट हो सकता है बाकी कंट्रीज़ को। तो बस ये एक पॉइंट है जो कि आप सोच सकते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में मेंशन किया गया है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ये यहाँ पे लैंड बेस्ड भी है, ठीक है, जिसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट कहा जाता है। मैरीटाइम सिल्क रोड भी है, जो कि मरीन मतलब ओशन से होकर कनेक्ट करता है अलग अलग सिटीज़ को, कंट्रीज़ को। और यहाँ पे बेसिकली एम ये है कि ईस्ट एशियन इकोनॉमिक रीजन को यूरोपियन इकोनॉमिक सर्कल से और बाकी के कॉन्टिनेंट्स को, मतलब एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इनको कनेक्ट करना है बेसिकली। तो फिर ये एक चाइना का इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब चाइना का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसे अनाउंस किया था चाइना ने 2013 में, और ये कवर करता है अबाउट 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और 60% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी एंड ओवर 70 कंट्रीज इन 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप ये इसे रट ही लीजिएगा। और चाइना इस प्रोजेक्ट के ऊपर $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा है, और ये अभी और डेवलप करेगा मैरिटाइम ट्रेड लिंक्स बिटवीन चाइना, यूरोप, वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न पोर्ट्स लिंक थ्रू हाई स्पीड रोड एंड रेल कॉरिडोर्स। ठीक है, तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। नो, इस पेज पे तो फ़िलहाल कोई न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे ये एक काफ़ी एफएक्यू के पेज पे आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है। अब यहाँ पे हमारा जो पहला आर्टिकल है, वो अभी जो नोबेल प्राइजेस अनाउंस हुए हैं उसके बारे में है। तो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की कैटेगरी में जो नोबेल प्राइज़ अनाउंस हुआ है, अवार्ड किया गया है, वो 3 साइंटिस्ट्स हैं। उनमें से एक है विलियम जी केलिन जूनियर फ्रॉम हार्वर्ड ह्यूगस मेडिकल इंस्टीट्यूट, सर पीटर जे रैडक्लिफ फ्रॉम फ्रांसिस क्रीक इंस्टीट्यूट, और थर्ड है ग्रेग एल समेंजा फ्रॉम द जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इन्हें सेल इंजीनियरिंग या फिर उनकी जो डिस्कवरी है कि जो सेल्स है हमारी बॉडी में, जो कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को सेंस करके अडाप्ट कर लेती है, उनकी डिस्कवरी के बारे में उन्हें नोबेल मिला है। ऑलराइट, इसके पहले हमारी मतलब बॉडी में एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, नेक्स्ट टू ब्लड वेसल्स इन नेक। हमारी नेक में ब्लड वेसल्स के साथ एक स्पेशल सेल्स मौजूद होती है, जो कि सेंस करती है ऑक्सीजन के लेवल को और ब्रेन को अलर्ट करती है। ऑलराइट, वो ब्रेन को अलर्ट करती है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, और दे कॉज हायर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी, ये जो डिस्कवरी की गई थी, इससे 1938 में नोबेल ऑलरेडी मिल चुका है। ऑलराइट, अब इन तीनों साइंटिस्ट को जो नोबेल मिला है, वो भी जो सेल्स जिस तरीके से अडाप्ट कर लेती है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, तो उसके लिए उन्हें नोबेल मिला है। तो हम देखते हैं और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। ऑक्सीजन लेवल इसेंशियल होता है हमारी बॉडी में, इट्स ऑब्वियस। अगर वो बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है, तो वो दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल डेंजरस हो जाती है। इन सच कंडीशंस सेल्स अडाप्ट कर लेती है ऑक्सीजन लेवल के हिसाब से। अब जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज के वक्त हमारी सेल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो सेल्स उन चीज़ों को अडाप्ट कर लेती है। ठीक है, अब इनके इम्प्लिकेशंस कैंसर में या फिर हार्ट डिजीजेस में, हार्ट अटैक में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इन सारी चीज़ों में भी इम्पैक्ट करती है। कैंसर सेल्स जो स्पेसिफिकली उन्हें दे आर नोन टू अडैप्ट टू लो ऑक्सीजन लेवल्स, ठीक है, कैंसर सेल्स जो है वो लो ऑक्सीजन लेवल पे भी ग्रो हो सकती है, वो अडैप्ट कर लेती है बहुत जल्दी लो ऑक्सीजन को। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इरिथ्रोपोइटिन जो है एक मतलब वो रिलीज होता है हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि हम हायर अल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, और ये जो इरिथ्रोप्रोटीन है, ये किडनी से रिलीज होता है। आप याद रखिएगा, इरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल काफ़ी
कम हो जाती है। अब यहाँ पे इसका मिसयूज़ किया जा रहा था बाय एथलीट्स कि वो अपने डोपिंग मतलब ब्लड डोपिंग में एथलीट्स यूज़ करते थे, तो फिर इसे बैन किया गया है बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब इरिथ्रोपोर्टीन को यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी? अभी इरिथ्रोपोर्टीन जो है इसका स्पेसिफिकली रोल ये था कि वो आइडेंटिफाई करता था जीन्स को दैट टर्न ऑन अदर रेगुलेटिंग जीन्स, एग्जाम्पल इरिथ्रोपोर्टीन जीन्स, और जो आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। जैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है तो आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है और हमारी बॉडी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता लो ऑक्सीजन लेवल में। तो इस चीज़ को एथलीट्स के द्वारा थोड़ा गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इसे वाडा ने बैन कर दिया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने। ऑलराइट, अब यहाँ पे फ़िलहाल इस आर्टिकल में तो इतना ही था। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब अनरैवलिंग द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। अब यहाँ पे एक एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी की गई थी, ठीक है, माइकल मेयर एंड डिडियर क्यूलेस, ठीक है, ये जिनीवा के हैं और इन्हें फर्स्ट टाइम मतलब नोबेल मिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी की है, ठीक है। तो अब एक्सोप्लैनेट क्या होता है? एक्सोप्लैनेट वो होता है जो कि प्लैनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद है, ठीक है। अब प्लैनेट्स दोज आर आउटसाइड आर सोलर सिस्टम, उन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। तो इन्होंने डिस्कवरी की है ऐसे ही एक प्लैनेट की, तो उसके लिए इन्हें नोबेल मिला है। ऑलराइट, और इसके बाद इस प्लैनेट का जो नाम है दैट इज़ 51 पेगसी बी, ठीक है, ये आप बिल्कुल ज़रूर याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 51 पेगसी बी ये एक प्लैनेट है जिसे डिस्कवर किया गया है, और मतलब कॉन्स्टिलेशन पेगसिस जो है उसके अंडर, ये 50 लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम अर्थ। ये इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नाम इंपॉर्टेंट है 51 पेगसी बी, और ये गैस जायंट है अबाउट हाफ द साइज ऑफ जुपिटर, ठीक है, जुपिटर से हाफ साइज़ का है वो, और ये बहुत फास्ट रोटेट करता है, तो इसीलिए वहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस कम है, ठीक है। अब जेम्स पेबल्स को ये प्राइस क्यों मिला है? तो फिर अब इन द बिगिनिंग ऑफ बिग बैंग, अब जैसे कि हमारी जो टिपिकल बिग बैंग थीरी है कि बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मैटर यूनिवर्स में रिलीज हो गया था, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक पॉइंट है कि मतलब जितना ज़्यादा यूनिवर्स में मास निकला था, फेंका गया था, इतना ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था कि यूनिवर्स में पूरा मास फेंका गया था बाहर, तो अब उन्हें टू कीप इट टुगेदर ग्रेविटी है, ऑलराइट, तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है और मैटर काफ़ी कम है, तो मैटर जो कम है उन्हें न्यूट्रिनोस माना गया है, ठीक है। जो न्यूट्रिनोस जो पार्टिकल्स है, सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है हमारे यूनिवर्स में, दैट इज़ न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे पेबल्स को जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो इसी के लिए मिला है क्योंकि इनकी डिस्कवरी जो है न्यूट्रिनोज के बारे में, न्यूट्रिनोज के बारे में नहीं पर ये जो इनकी थीरी है उसके लिए। ऑलराइट, तो न्यूट्रिनोज जो अवेलेबल है उन्हें हम मतलब उन्हें उनका मास या फिर उनका कुछ देखने के लिए हम उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो न्यूट्रिनोज को उन्होंने सीधे सीधे डार्क मैटर कह दिया है। तो डार्क मैटर जो है, इवन दो इट इज़ ऑल ओवर मतलब ऑल अराउंड अस, वी कैन स्टडी और फील इट ओनली थ्रू ग्रेविटी एंड नो अदर इंटरेक्शन। सिर्फ ग्रेविटी से उन्हें फील किया जा सकता है और कुछ भी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हो सकता, तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बस आप इसमें ये जो प्लैनेट है पेगसी बी, इसका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, और नोबेल किन्हें मिला है उनका नाम याद रखना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टूवर्ड्स अ रिचार्जेबल वर्ल्ड, अब ये केमिस्ट्री में नोबेल जिन्हें मिला है उनके बारे में ये आर्टिकल है। ऑलराइट, अब द 2019 नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री वॉज अवार्डेड टू जॉन बी गुडेनफ, ऑलराइट, स्टैनली विटिंगहम एंड अकीरा योशिनो। अब इन तीनों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है। अब ये क्यों मिला है? तो लिथियम आयन बैटरीज के लिए, ठीक है। और लिथियम आयन बैटरीज़ को जो है ऐसे देखा जाता है कि फॉसिल फ्री फ्यूचर है ये हमारा, ठीक है। अब फॉसिल फ्री फ्यूचर है इलेक्ट्रिक कार्स का, जो कि एड्रेस कर सकता है क्लाइमेट चेंज को, तो ये हमारे फ़िलहाल एनवायरनमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिथियम आयन बैटरीज़। अब लिथियम आयन बैटरीज़ ही क्यों? तो अर्लियर बाय 1960 पेट्रोल यूज़ किया जाता था जो कि प्रोलिफरेटेड था, पर
पोल्यूशन, स्मॉग और हार्मफुल जो सब्सटेंसेस है वो रिलीज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हार्मफुल थी टू हेल्थ. अब अर्ली 19th सेंचुरी में केमिकल बैटरीज को लाया गया जो कि एनर्जी क्रिएट करती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, किसी भी बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसकी वजह से एनर्जी क्रिएट की जाती है. तो लेड एसिड बैटरीज जो है ये बहुत ज़्यादा बल्की थी. ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल नहीं थी. लेड एसिड बैटरीज़ की जब डिस्कवरी हुई थी पर वो बहुत इम्प्रैक्टिकल थी. ठीक है, एनर्जी उसमें से जिस तरह से क्रिएट की जाती थी वो सब सही था, बस वो प्रैक्टिकल नहीं था. अब गुड इनफ और योशिनो ने जो यहाँ पे डिस्कवरी की है लिथियम आयन बैटरीज़ की, तो उन्होंने लिथियम कोबाल्ट डिज़ाइन बनाया है. मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इनका क्या है, तो बैटरीज़ नीड नॉट मैन्युफैक्चर इन मतलब चार्ज स्टेट. अगर आपने मैन्युफैक्चर किया है उसके बाद आपको बैटरीज़ को चार्ज करना है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं. योशिनो ने यूज़ किया पेट्रोलियम कोक, ऑलराइट, बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल इंडस्ट्री. अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का पोल्यूशन होता है, ठीक है, जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद जो उनका प्रोडक्ट निकलता है, बाय प्रोडक्ट होता है ऑयल का, जो पेट्रोलियम कोक है उसी को यूज़ करके आप बैटरीज़ को बना सकते हैं. तो जो एक्स्ट्रा का पोल्यूशन है वो नहीं होगा, जो पोल्यूशन हो रहा है उसी में से आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी और अब हमें बस देखना है कि इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है. ऑलराइट, तो अब हम बढ़ते हैं आगे. हमें नोबेल प्राइजेस के जो विनर्स हैं उनके नाम रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा. अब यहाँ पे सिक्किम के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिक्किम हमारे इंडिया की सबसे पहली फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है. ठीक है, फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम हमारे इंडिया की. अब यहाँ पे बटरफ्लाइज़ की जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ है, मतलब मोर देन 700 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज़ मिलती है यहाँ पे सिक्किम में पाई जाती है. अब यहाँ पे ऐसे पहले कहा गया था कि जो इंडिजीनस फार्मिंग स्टाइल्स जो है, सिस्टम जो है, उसकी वजह से बटरफ्लाइज़ की संख्या कम होती जा रही है, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है बटरफ्लाइज़ के लिए, ऐसे कहा जाता था. पर अब जो कि स्टडी किया गया है उसके हिसाब से ये पता चला है कि एक्चुअली वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उन्होंने हेल्प की है टू ग्रो बटरफ्लाइज़ इन नंबर. ऑलराइट, तो सिक्किम हमारी फुली ऑर्गेनिक स्टेट है और इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है स्टेट में. और उसके बाद हमें तो पता है कि हिमालयन बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा थ्रेट है ऑफ हैबिटेट लॉस, चेंज इन लैंड यूज़, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन और अर्बनाइजेशन, एंड इट इज़ हाई टाइम फॉर नेबरिंग स्टेट्स टेक नोट्स फ्रॉम सिक्किम एंड शिफ्ट टू ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक मेथड्स टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन. अब जिस तरह से सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, ऑर्गेनिक स्टेट अपने आप को बना लिया है, वैसे ही बाकी स्टेट्स को भी वैसे ही बनाना चाहिए और जो हिमालयन बायोडाइवर्सिटी है स्पेशली उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए. ऑलराइट, अब यहाँ पे वही पॉइंट था, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है चीज़. अब यहाँ पे पावर ऑफ साइबेरिया, अब यहाँ पे पावर ऑफ साइबेरिया क्यों लिखा है, तो फिर यहाँ पे एक्चुअली रशिया और चाइना की जो रिलेशंस हैं उनके बारे में बात की गई है. तो रशिया चाइना के रिलेशंस जो है वो पहले बहुत अच्छे थे, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में प्रॉब्लम्स होना शुरू हुआ था 1960s के बाद. ठीक है, अब कोल्ड वॉर के बाद रशिया और चाइना के बीच में डिफरेंसेस आना शुरू हो गया था, पर अब उनके रिलेशंस फिर से अच्छे हो रहे हैं क्योंकि उनका कोलैबोरेशन एनर्जी के मामले में उनका कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छा रहा है. अब यहाँ पे 4000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बनाने की बात चल रही है कि रशिया के फार ईस्ट से टू चाइना. ठीक है, रशिया का फार ईस्ट जो रीजन है, व्लादिवोस्टोक टाइप का जो रीजन है वहाँ का, तो वहाँ से चाइना के बीच में 4000 किलोमीटर लॉन्ग गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी और डब एज पावर ऑफ साइबेरिया. ठीक है, इसी को पावर ऑफ साइबेरिया कहा गया है. ठीक है, अब ये उनका सिंबल है पर्सनल फ्रेंडशिप का बिटवीन चाइनीज एंड रशियन काउंटर पार्ट. ठीक है, और यहाँ पे अब उनके रिलेशंस और डेवलप होंगे. अब यहाँ पे इस तरह से जो पावर का सप्लाई किया जाएगा या फिर एनर्जी का सप्लाई किया जाएगा इस पाइपलाइन के थ्रू, ये क्यों है, तो अब अभी जैसे कि यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए थे ऑयल के ऊपर, तो ऐसी प्रॉब्लम फ्यूचर में भी आ सकती है. तो इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए या फिर एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए. तो ये एक चाइना का इनिशिएटिव है
कि ताकि यूएसए ने अगर मतलब यूएसए की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो उनके पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पाइपलाइन है वो क्रॉस करेगी अमूर रिवर को, दैट सेपरेट्स रशिया फ्रॉम चाइना। तो ये एक जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अमूर जो रिवर है वो सेपरेट करती है रशिया को फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे फ्रेंड्स, यप, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स, और हमारा इंस्टाग्राम पे हैंडल भी है होलिस्टिक अंडरस्कोर फैक्ट्स के नाम से, तो फिर आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड स्टे अपडेटेड, थैंक यू।